हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द एथ चैप्टर ऑफ योर बुक द वि नाइट एंड द चैप्टर नेम इज द सिली कैट सिली मीन्स मूर्ख तो लेट वी स्टार्ट हो पर द फ्रॉग, लिव्ड नियर अ पॉन्ड इन अ बैक यार्ड विद हिज फ्रॉग फैमिली एंड फ्रेंड्स होपर एक फ्रॉग था फ्रॉग यानी मेंढक था जो एक तालाब के किनारे पीछे की साइड अपनी फ्रोक फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ रहता था टोबी वॉज द फैमिलीज फ्लफ़ी वाइट कैट एक दूसरा था जो जिसका नाम टोबी था वो अपनी फैमिली का सबसे हेल्थी वाइट बिल्ला था हु लव टू पाउंस ऑन द पोंड फ्रोक्स जिसे उस वो तालाब के जो मेंढक थे उनको पकड़ने में मज़ा आता था ही वुड स्ट्रोल डाउन टू द पोंड इन द लेट आफ्टरनून जस्ट वैन ही न्यू द फ्रोक्स वर कमिंग आउट टू मंच ऑन सम टेस्टी इंसेक्ट्स वो हमेशा दोपहर के समय तालाब के किनारे घूमने के लिए आता था जैसे ही उसे पता लगता था कि जो मेंढक थे वो बाहर इंसेक्ट्स को खाने के लिए आए हैं एंड ही वुड चेज द फ्रॉग्स ऑल अराउंड द पॉन्ड। और वो फिर पूरे तालाब के किनारे वो फ्रॉग्स को चेज करता था उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा करता था पुअर फ्रॉग्स कुड नॉट ईट इन पीस बेचारे जो मेंढक थे वो ढंग से खा भी नहीं पाते थे होपर वॉच्ड एवरी डे एज टोबीज फ्रेंड्स एंड फैमिली होपर इस बात को एवरी डे नोटिस करता था कि टोबी उसके फ्रेंड्स और फैमिली को चेज करता है उनका पीछा करता है एंड थॉट ऑफ हिमसेल्फ एक दिन उसने अपने आप से पूछा सोचा वन डे टोबी आई एम गोन ट्रिक यू फॉर ऑल द पाउंसिंग यू डू उसने अपने मन में सोचा कि टोबी तो एक ना एक दिन मैं तुम्हें इस बात का मजा जरूर चखाऊँगा ही हैड प्रिपेयर अ प्लान फॉर एस्केपिंग ओल्ड टोबीज पास फिर उसने एक प्लान बनाया उस टोबी के पंजों से बचने के लिए हिस प्लान वॉज सिंपल उसका जो प्लान था वो बहुत सिंपल था वन डे ही सेट एट द एज ऑफ द पोंड अवेटिंग टोबीज अराइवल एच मीन्स किनारा एक दिन वो पोंड के किनारे पे बैठ गया और टोबी के आने का इंतजार करने लगा एज द शेडोज ग्रू लॉन्गर एंड द स्काई टर्न रेड ही स्पोर्टेड टोबीज ट्रोलिंग डाउन से। ही टोबी। तब उसने देखा कि तो, जो टोबी है, वो धीरे धीरे वॉक करता हुआ आ रहा है और उसकी आंखों में थोड़ा डर भी दिखाई दे रहा था मतलब लालच दिखाई दे रहा था सॉरी टर्न लालच हो पर एक्सिमड हिज मदर तभी उसकी मदर चिल्लाई होपर टोबी इज कमिंग स्ट्रेट एट यू टोबी सीधा तुम्हारे पास आ रहा है गेट आउट ऑफ देयर वहाँ से खड़े हो जाओ रिलैक्स मोम आंसर्ड होपी कामली होपर ने आराम से आंसर दिया कि रिलैक्स मोम की मोम आप चिंता मत करो आई नो वॉट आई एम डूइंग मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ आई ही फैट अ बर्स्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एट हिज बोल्ड प्लान उसे अपने प्लान पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कॉन्फिडेंस था क्लोजर एंड क्लोजर टोबी केम टोबी उसके पास आता जा रहा था लिकिंग हिज पाउल अपने जो पास थे उसको वो लिक कर रहा था एंड स्मैकिंग लिप्स, और अपने होटो को भी वो स्मैक कर रहा था लिक कर रहा था द अदर frogs skipped आउट बट हो remained still. स्टिल जो दूसरे जो फ्रॉग्स थे वो वहां से भाग गए छुप गए लेकिन होपर वहीं बैठा रहा मियाऊ आई एम नॉट gonna हैव एनी फन दिस इवनिंग द कैट कंप्लेन अब जब टॉबी तो ने देखा कि मैंडर यहाँ से जा ही नहीं रहा होपर यहाँ से तो उसने कहा कि आज तो मुझे कोई फन भी करने को नहीं मिलेगा वाई डोंट यू जम्प अराउंड अ बेट सो आई कैन गेट सम एक्सरसाइज फिर उसने होपर से कहा कि तुम यहाँ से जंप क्यों नहीं करते ताकि मेरी भी कुछ एक्सरसाइज हो जाए ओ आई प्रोमिस यू विल हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम अ ब्रेक फ्रोक रिप्लाइड उस मैंडक ने कहा कि ठीक है मैंने मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें आज फन करने के लिए मिलेगा टोबी सडनली लिफ्ट टूअर्ड्स होपर हु जम्पड आउट ऑफ द वे एंड इन टू द पोन्ड जस्ट बिफोर टोबीज क्लास लैंडेड ऑन द स्पॉट ही हैड बीन ऑन अ मोमेंट है जैसे ही टोबी होपर की तरफ लपका तो होपर फटाफट पौंड में कूद गया और तुरंत वहां से जैसे ही टोबी उसको पकड़ने के लिए आया और एक मिनट पहले ही वो वहाँ से जम्प करके पानी में कूद गया होपर लैंडिड ऑन अ लिली पैड होपर एक लिली पैड लिली पैड यानी लिली की जो लीफ थी जैसे यहाँ पे पानी में दिखाई दे रही है इस पर वो कूद गया दैट हैड जस्ट ग्रॉन आउट ऑफ द पोड जो अभी अभी पानी से बाहर उगा था इट वॉज द ओनली वन ये अकेला लिली पैड था द लिली पैड शडर्ड एज ही होप्ड आउट ऑन टू एट बट रिमेन ए लिली पैड पर जब वो होपर कूदा तो वो थोड़ा सा हिला लेकिन फिर भी वो फ्लोट करता रहा टोबी वॉज मैड टोबी पागल था ही सैट एट द एज ऑफ द पोंड एंड स्विस्ट हिस्टेल एंग्रिली टोबी जो था उसे गुस्सा आ रहा था तो वो पोंड के किनारे पर बैठ गया और अपनी पूँछ को हिलाने लगा ओह नो क्राइड होपर अब होपर ने बहाना बनाया माई लेग इज़ हर्ट कि मेरे पैर में चोट लग गई है टोबी आई एम नॉट प्लेइंग एनी मोर टोबी मैं अब और नहीं खेल सकता प्लीज डोंट हर्ट मी होपर क्राइड उसने कहा कि प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो

वो टोबी कहता है कि चीज़ें हमेशा ऐसी परफेक्ट नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं टोबी ग्लीफुली आज टोबी ने हैप्पीली पूछा आई एम एफ आई हैव टू कम एंड गेट यू जस्ट टू प्रूव टू दीज अदर फ्रॉग्स दैट आई एम द बॉस एंड नो वन एल्स शुड ट्राई अ क्रेजी स्टंट लाइक दैट अगेन मैं टोबी ने पूछा कि मैं मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है कि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा हूँ और मैं इन जो दूसरे फ्रॉक्स हैं इनको प्रूव भी करना चाहता हूँ कि मैं बॉस हूँ और कोई भी मेरे सामने इस तरह की कलाबाजियाँ इस तरह के स्टंट दोबारा नहीं करने की सोचेगा आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग हिज एम जब उसे अपना एम पूरी तरह से मिल गया टोबी लिफ्ट आफ्टर होपर टोबी जो है वो होपर की तरफ लपका वेंट थ्रू द एयर एज द अदर फ्रोक्स लुक्ड ऑन हेल्पलेसली वो तुरंत हवा में उछल के होपर के पास पहुंचा और जो दूसरे फ्रॉक्स थे वो हेल्पलेसली दूर से खड़े हुए देख रहे थे बट जस्ट एज टोबी वॉज अबाउट टू लैंड ऑन द लिली पैड लेकिन जैसे ही टोबी लिली पैड पर लैंड करने के लिए हुआ होपर मेड अ फ्लाइंग डाइव इन टू द पौड होपर ने तुरंत वहाँ से डाइव लगाई पानी में ही वो सेफ इन दॉटर वो पानी में सेफ था एंड टोबी हैड लैंडिड ऑन द लिली पैड और जो टोबी था वो लिली पैड पर लैंड कर गया वो टोबी हैड नॉट कंसिडर्ड हाउ एवर वो डैट द लिली पैड कुड होल्ड अप अ टाइनी फ्रॉग बट अ लिटिल फैट कैट वॉज अनदर स्टोरी टोबी ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिस लिली पैड पर छोटे से फ्रॉग बैठा है उस पर एक बड़ी सी बिल्ली भी बैठ जाएगी एंड सो टोबी स्ट्रिक्ड इन टेरर एज ही स्प्लैश्ड इनटू द वाटर और अब टोबी जो था वो डर के मारे चिल्ला रहा था क्योंकि वो पानी में स्प्लैश कर रहा था ही केम अप स्पटरिंग एंड बिड्रैगल्ड वो उस जब बाहर आया पानी से तो उसके शरीर पर से पूरा पानी टपक रहा था और वो पूरी तरह से भीगा हुआ था द फ्रॉग केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेज जो और सारे फ्रॉग्स थे वो अपनी छुपी हुई जगह से जहाँ पर वो छुपे हुए थे वो वापस आए एंड लाफ्ट एट द साइड ऑफ द ड्रेंच कैट और उस भीगी हुई बिल्ले को देखकर हंसने लगे यू सी कैट्स हेट वाटर आप लोगों को पता है कि कैट्स को पानी से नफरत है एंड होपर है पोंड और होपर ने यह बात नोटिस की थी कि जो टोबी था वो कभी भी पोंड के अंदर वाले फ्रोक्स को चेज नहीं करता था सो वैन ही सो द लिली पैड ग्रोइंग आउट ऑफ द पोंड लेकिन जैसे उसने देखा कि लिली पैड पानी से बाहर ग्रो कर रहा है तो ही हैच्ड अ लवली प्लान टू ट्रिक ओल्ड टोबी तो तभी उसके दिमाग में टोबी को ट्रिक करने का एक नया प्लान आया था होपर बिकेम अ लीजेंड अमंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर सेविंग दैम फ्रॉम द मीने कैट अब होपर अपने लोगों के बीच में और अपने फ्रेंड्स के बीच में एक लीजेंड बन गया था लीजेंड यानी एक ब्रेव स्टोरी बन गया था उनको कैट से बचाने के लिए टोबी वॉज सो अशेम्ड ऑफ बींग आउट फिटेड बाई अ लिटिल फ्रॉग दैट ही नेवर केम नियर द पोंड अगेन और जो टोबी था उसे अपने आप पर इतनी शर्म आ रही थी कि एक छोटे से फ्रॉग ने उसे कितनी चालाकी से हरा दिया इस बात से अशेम ढोकर वो कभी भी दोबारा पोंड के पास नहीं आया एंड टू दिस डे और उस दिन से ही स्टिल हैज नाइट मेयर्स अबाउट फॉलिंग इन टू द वॉटर और उस दिन से उसे डरावने सपने भी आ रहे थे कि वो पानी में गिर गया ओके okay, स्टूडेंट so this was the story of the chapter the silly cat you will have to read down it okay thank you